बताना चाह रहा हूँ कि आप एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में कुछ बताओगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने पेपर दिया था 12 से 18 जुलाई को पेपर दिया था, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं पता, आता है नहीं पता, 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए, एक महीने का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही दुर्व्यवस्था है छात्रों के लिए। जो बेचारा छात्र इतने टाइम से मेहनत कर रहा है 6 महीने से, उसके दिमाग में उसका रिजल्ट ही रिजल्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों के साथ, बहुत ही गलत हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे अभी NTPC का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, और कुछ दिनों बाद देश के पूरे जितने भी राज्य हैं सब में प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देश के युवा बहुत ही ख़तरे में हैं। ठीक है, तो 2 फरवरी को जो बताया है हमारे डिफेंस गुरुजी है, और डिफेंस गुरुजी है, जयहो इंस्टीट्यूट है, संजीव सर है, परमार सर है, और मतलब जितने भी सर है जेनुअन डिफेंस है, अपना डिफेंस का टारगेट है ऋतिक है, तो हमको ग्राउंड ड्यूटी पर मतलब ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट करना होगा, जैसे NTPC वालों ने करा है। ठीक है, और अनुशासन से करना होगा, अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके कान पर जो है ना, सरकार ने किसका हमें ना तो कारण बता रखा है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मतलब कारण तो बता देना चाहिए था, डेट फिक्स करनी चाहिए थी, कि डेट फिक्स करनी चाहिए थी कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इस मंथ को आपका रिजल्ट आएगा, अगले साल आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा निराश है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2 फरवरी को प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे कुछ पता चलेगा कि क्या होता है आगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट सर गवर्नमेंट प्लीज़ बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, तो बच्चा किस तरह मेहनत करता है, ठीक है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, उसका रिजल्ट ज़रूर दे, और आपका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है वो भी उठना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी उठना चाहिए, वैकेंसी नहीं आ रही 2 साल से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपके सामने थोड़ा अपना मत रखा है, मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो रिजल्ट जैसे आप ग्राउंड ड्यूटी पर जो प्रोटेस्ट होगा, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो सरकार हटनी चाहिए फिर, क्योंकि बच्चे बहुत निराश हो चुके हैं। ठीक है, NTPC वाले बच्चे, देश के युवा ही खतरे में हैं। डिफेंस का रिजल्ट तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था, डिफेंस से तो देश की रक्षा होती है। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, बनते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, और ये जो मामला है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।